हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मदित निषाद, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज माहौल बना हुआ है चंद्रयान तृतीय की सफलता के लिए, सारा देश दुआ कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सारे लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, जो जहाँ पे है अपनी दुआ लेकर के मौजूद है और तैनात है। जबकि हमारे वैज्ञानिक सारी इसकी तैयारी कर चुके हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पहले ले चलता हूँ, बताता हूँ आपको इसरो के बारे में। इसरो से लेकर के आज तक के अपने अभियान के बारे में बताता हूँ। तो जान लीजिए कि इसरो की स्थापना जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो कहीं कहीं हमारे वैज्ञानिकों ने यह सपना देखा था कि हम अंतरिक्ष में भी जाएंगे, वहाँ पे भी चलेंगे, देखेंगे, पता लगाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या संभावनाएं हैं उसकी, तकनीकी क्या हो सकता है, क्या वहाँ जीवन संभव है नहीं है। तो 1962 में हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा और 69 में जाकर के हमारे भारत सरकार ने उसकी स्थापना करने की ठान ली और 69 में स्थापना हो गई। इस तरह से वहाँ पे चंद्रमा पे जाकर के, चंद्रमा पे उसकी ज़मीन के बारे में, वहाँ के तकनीकी जीवन के बारे में, हीलियम के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास होता रहा, मन में एक जिज्ञासा बनी रही लोगों के। इसी कड़ी में चंद्रयान फर्स्ट, इस तरह से 2008 में पहला चंद्रयान हमारा गया और चंद्रयान अपना कहीं ना कहीं सफल रहा, सॉफ्ट लैंडिंग किया और सॉफ्ट लैंडिंग के चलते उन्होंने 18 में 10 साल पूरा किया अपना। 10 साल पूरा करते ही वो तमाम जानकारी, तमाम चीज़ जो हमारी जिज्ञासा, हमारे वैज्ञानिकों की जिज्ञासा थी, उसको शांत करते हुए अपने काम को अंजाम दे रहा था। उसी दरमियान हमारे वैज्ञानिकों ने फिर से एक सपना देख लिया कि चंद्रयान सेकंड करने का, और चंद्रयान सेकंड भी 19 में हमारा लगा दिया गया उसको सफल परीक्षण के लिए और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए वहां पे उतार दिया गया। लेकिन थोड़ा सा तकनीकी फॉल्टिंग के कारण हमारा वो चंद्रयान सेकंड मिशन जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, और सॉफ्ट लैंडिंग न करने के कारण थोड़ा सा वो वहाँ स्थापित नहीं हो पाया और उसे असफल कह सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और उनकी सोच ने ठान लिया था कि हम भी विश्व की तरह, विश्व में उन तीन देशों की तरह जाकर के वहाँ अपना झंडा बुलंद करेंगे और दिखाएंगे अपनी स्थापना को, अपनी वैज्ञानिक तकनीकी को दिखाएंगे। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फिर चंद्रयान थ्री चंद्रयान तृतीय ठान लिया कि बनाएंगे और इतना शीघ्र, इतना जल्दी फिर से एक मिशन बना लिया जिसको चंद्रयान तृतीय के नाम से जाना गया है। और उसको जानते हैं कि इसरो ने अपना 6 केंद्र बनाया है, उसी एक केंद्र से उसको भेज दिया, प्रक्षेपित कर दिया गया है। और आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है, वो सब कुछ आ गया आपके सामने कि भारत विश्व में, विश्व के उन सभी देशों में से उन तीन देशों के बाद चौथा देश आज संभवतः बन जाएगा। इस तरह से आज चंद्रयान तृतीय का सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाने के बाद भारत विश्व में तीन देशों के बाद, अमेरिका, चीन और रूस के बाद, विश्व का चौथा देश, महादेश हो जाएगा जो कि चंद्रयान अपना सफल परीक्षण करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और उसी सॉफ्ट लैंडिंग के तकनीकी के माध्यम से हमको वहाँ का सारे चीज़ डिटेल मिलेगा, वहाँ के लैंड के बारे में जानकारी होगी, तकनीकी के बारे में जानकारी होगी, जीवन के बारे में जानकारी होगा, हीलियम के बारे में जानकारी होगा, क्या वहाँ संभावनाएं हैं, मनुष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को तलाश के देगा चंद्रयान थर्ड। इस तरह से जो हमारे वैज्ञानिकों ने 1962 से सपना देखा था, 1969, 2003 और 2008 से शुरुआत किया पारी को, 2008 से 18 10 साल सॉफ्ट लैंडिंग किया, 19 में जाकर के फिर से तृतीय किया, जबकि 18 में द्वितीय चंद्रयान किया था लेकिन हमारा असफल हो गया था, हमारा जो लैंडर था वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाने के कारण। थोड़ा सा सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि किसी छत से आप कूदते हैं तो धड़ाक से कूदते हैं, धरती धड़क जाती है। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि आराम से आएंगे आप और सूज में सॉक्स लगे होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं, जैसा कि आप जानते, तो उसको स्पंज कर दे, या यूं कह लीजिए कि मोटरसाइकिल की जो साकर होती है कि गड्ढे में जाती है तो आराम से आपको झटका नहीं देता है। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा तकनीकी बनाया इस बार कि वहाँ पर जो हमारा वो लैंडर जा रहा है विक्रम और रोवर, उसको सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, जरा सा भी किसी छत पे, उस पर किसी भी सतह पे कोई भी झटका नहीं लगेगा। इस तरह से आज चंद्रयान तृतीय का सफल लैंडिंग हो और सारे लोग मिलकर के दुआ करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, जय वैज्ञानिक, जय हिंदुस्तान।